तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम डिस्कस करेंगे सीड्स के बारे में। इससे पहले की क्लासेस में हमने आपको वर्कबुक के बारे में बताया था, और बताया था कि हमारे पास पांच ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन, वर्कबुक, शीट और एम। एप्लीकेशन को हमने फिलहाल होल्ड कर रखा है, हमने वर्कबुक को पढ़ लिया, उस पर एक प्रोजेक्ट भी कर लिया, और हमारे पास तीसरा जो है वो शीट्स है। तो चलिए हम शीट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो डेवलपर के विजुअल बेसिक पे आते हैं, और मैं यहां से एक नया मॉड्यूल्स को ऐड करता हूं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल के बारे में कि वीवीएक्स को, सीट को हम डोनेट या कॉल कैसे करते हैं। जैसे कि वर्कबुक में हमने बताया था कि हम वर्क बुक्स या फिर एक्टिव वर्कबुक कॉल करते हैं इसको, ठीक है सर। उसी तरह से हम इसमें बात करने जा रहे हैं आपके साथ कि हम सीट को कैसे करेंगे। सबसे पहले सीट को आप देखिए कि सीट के दो नेम है आपके पास। पहला नेम है सीट वन कॉमा सीट वन। जो भी सीट वन आप सीट ऐड करते हैं, जब इसमें यह सीट ऐड कर लिया, जितने भी सीट हम यहाँ ऐड करेंगे उस सीट में आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारा ये ऐड किया हुआ है, मतलब कि एक्टिव वर्क बुक, ये आपका सीट का नाम जो है यहाँ आता जाएगा, जो भी नाम ऐड करेंगे। तो सर इसके बारे में समझिए, इसमें सीट वन ब्रैकेट में सीट वन, तो ब्रैकेट वाला जो सीट वन है ये आपका कैप्शन नेम है, और इस ब्रैकेट से पहले वाला सीट वन है वो आपका प्रॉपर्टी नेम है। आप दोनों को चेंज कर सकते हैं, समझ गए। प्रॉपर्टी नेम को चेंज करने के लिए सीट पे क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी बार में, प्रॉपर्टी बार में जाइए। अगर प्रॉपर्टी बार नहीं है तो यहाँ ये निशान दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कीजिए या शॉर्टकट F4 प्रेस कीजिए, आपको प्रॉपर्टी बार आ जाएगा, उसमें चेंज कर सकते हैं। और कैप्शन नेम जो कि ब्रैकेट में है उसको चेंज तो यूजर कर सकता है, मतलब कि ये कैप्शन नेम को यूजर चेंज कर सकता है और प्रॉपर्टी नेम को प्रोग्रामर चेंज कर सकता है, समझ गए। तो दोनों से हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे प्रॉपर्टी नेम से चलना है तो लिखूंगा सीट वन डॉट एक्टिवेट, तो सीट वन को एक्टिवेट कर देगा। अगर मुझे कैप्शन नेम चलना है तो लिखूंगा सीट्स और इसके अंदर जैन, क्योंकि कैप्शन नेम जैन है हमारा, डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। मतलब देखिए, जहां हम एक्टिवेट लगाते हैं वहां हम सेलेक्ट भी लगा सकते हैं, सेलेक्ट वन या वो मोर देन वन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एक्टिवेट ओनली फॉर वन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दूसरा, हम सीट के सिक्वेंस नंबर से, सीट फाइव पे करना है हमको तो वन एंड टू दूसरे नंबर पे है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं शीट्स यहाँ पे टू डॉट सेलेक्ट, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्टिव सीट। तो चार तरीके हैं हमारे पास। तो पहला तरीका जो आपका है वो है प्रॉपर्टी नेम से, दूसरा तरीका है कैप्शन नेम से, तीसरा तरीका है उसके सीक्वेंस नंबर से, और चौथा तरीका है फिक्स है एक्टिव सीट से। अब चलिए सिचुएशन के बारे में समझते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी नेम आपका, जब मान लीजिए कि कैप्शन नेम बार बार चेंज होता है, जैन है कल के डेट में फैब हो जाएगा, मार्च हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, तो आपको बार बार प्रोग्रामिंग में जाकर चेंज करना पड़ेगा। बार बार आपको प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ेगा, लेकिन कैप्सिक प्रॉपर्टी नेम आपका फिक्स रहता है, प्रॉपर्टी नेम चेंज नहीं होता है। प्रॉपर्टी नेम चेंज जनरली यूजर नहीं कर सकता, उसको प्रोग्रामर ही कर सकता है, ठीक है सर। हाँ जी सर, आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आपका बात है सीट नेम, इस कैप्शन नेम कब यूज करेंगे, जब आपका सीट बार बार डिलीट होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, समरी, तो पिछला समरी का सीट डिलीट कर देते हैं, नई सीट ऐड करते हैं, उसका नाम डालते हैं, और नाम आपका फिक्स है बट सीट फिक्स नहीं है, सीट पे कोई भी सीट हो सकता है, या नई सीट या डिलीट होने के बाद भी हो सकता है। तो जैसे ही सीट आपकी डिलीट होगी, जैसे मान लीजिए फैब को मैंने कर दिया डिलीट,
डिलीट होते ही अब नई शीट अगर हमने यहाँ पे ऐड की और मैंने उसका नाम रख दिया फाइव, तब क्या होगा? अब यहाँ देखिए फाइव का प्रॉपर्टी नेम शीट थ्री है, तो हमें फिर शीट थ्री करना पड़ेगा, लेकिन हमने फाइव का रखा है तो ये चलेगा। तो जब आपका सीट डिलीट होता रहता है लेकिन सीट का कैप्शन नेम फिक्स है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका नहीं यूज करते हम लोग जब हम लोग ऑटोमेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक फाइल है, एक फाइल में जितने भी नंबर ऑफ शीट है उसका डेटा उठाना है। हमें नहीं पता कि सीट का प्रॉपर्टी नेम कैसे हम क्या है, आई डोंट नो। उसी तरह से एक सीट है, उसमें एक ही सीट है, उसका डेटा उठाना है। हमें नहीं पता सीट का नाम क्या है, तो नंबर से चलते हैं। वन इट मीन पहला शीट, टू इट मीन दूसरा शीट। हम लूप में अगर मान लीजिए एक से ज्यादा शीट है तो लूप में डाल देते हैं, और एक सीट है तो वन कर देते हैं। तो ये सीट का पोजीशन नंबर से उठा लेता है, पोजीशन से उठा लेता है। इससे सीट का प्रॉपर्टी नेम कैप्शन नेम क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लास्ट आप जानते ही हैं एक्टिव शीट। तो जब भी हम शीट का जिक्र करेंगे लास्ट में जो होता है एक्शन जो होता है वो चेंज होगा, लेकिन इससे पहले की जो शीट की बजाय नेम है वो ड्यूरेशन है वो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए सीट पे क्या क्या काम करते हैं उसके बारे में हम जिक्र करते हैं। जैसे नई सीट ऐड करनी है तो यहाँ पे लिखेंगे शीट्स डॉट ऐड, एक नई सीट ऐड हो जाएगी। जो नई सीट ऐड हुई है उसका नेम डेटा करना है, तो यहाँ लिखेंगे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा। क्यों? क्योंकि तो जो सीट ऐड हुई है वही एक्टिव होगा। जैसे जो फाइल ऐड होती है वही एक्टिवेट होती है, ऐसे जो सीट ऐड हुई है वही एक्टिव होगी। तो इसके लिए लिखेंगे एक्टिव शीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा। लेकिन मुझे सीट ऐड करनी है विथ नेम, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं शीट डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डेटा। यस सर। अब जब सीट ऐड हो रही है, जैसे सीट आपकी जो सीट ऐड होती है, वो सीट ऐड होती है कहाँ ऐड होती है? वो होती है बिफोर द एक्टिव सीट। मैं चाहता हूं कि मैं सीट टू के बाद करूं या सीट फाइव से पहले करूं या सबसे लास्ट में करूं, तो मैं डिसाइड करूंगा कहाँ सीट ऐड करनी है। तो मैं यहां लिखूंगा शीट्स डॉट एड, और इसमें हम देंगे बिफोर या आफ्टर, जो भी हमारा बिफोर आफ्टर है वो देंगे। तो मुझे बिफोर करना है तो यहीं पे लिख देंगे कि सी, और यहाँ पे दे देंगे सी फाइव, सी फाइव। आफ्टर करनी है तो मुझे यहाँ पे एक कॉमा देना पड़ेगा, तो आफ्टर यहाँ हम हो गया, तो आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन मुझे सबसे लास्ट में ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे सीधे काउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन काउंट कितना होगा मुझे नहीं पता। तो मैं यहाँ लिख दूंगा शीट शीट डॉट काउंट, वो काउंट करेगा कि कितना नंबर ऑफ शीट है, फिर उसके बाद इस शीट को ऐड कर देगा। लेकिन वो डिफॉल्ट एक ही शीट को ऐड करेगा, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के काउंट आपको दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर फाइव दे दिया। अब वो पांच शीट को ऐड करेगा, ठीक है। ओके सर, मतलब सबसे एंड में वो जाके 5 शीट्स ऐड करेगा। हाँ और सर ये जैसे आपने स्पेस कॉमा स्पेस 5 दिया है, ये हाँ भी सिंटेक्स है ना या देखो स्पेस? क्या रहा सर, क्या रहा सर कि अगर हम कॉमा नहीं देंगे तो बिफोर को डिनोट करेगा, ओके ठीक है ठीक है। बुझे ना। तो हमने बिफोर को स्किप करने के लिए हमने यहां लिखा हुआ, समझ जाए। टाइप ठीक है सर, और ये टाइप क्या है सर? ये जैसे काउंट आ रहा है। जैसे क्या होता है कि आप जब ऐड करते हैं तो टेम्पलेट भी तो ऐड होती है, जैसे इंसर्ट किया आपने तो इसमें डिफॉल्ट ब्लैंक होता है। कोई चार्ट ऐड करना है या आपको कुछ ऐड करना है उसके लिए टाइप का इस्तेमाल होता है। जैसे यह देखिए इसके बारे में आपको बाद में बताने वाला था, लेकिन आपने पूछ लिया तो हम आपको बता, ठीक है। अब यहां पे देखिए यहां पे सी डेट यहां पे लिख दिया, चार्ट डायरेक्टली ऐड कर दिया है।
तो टेम्पलेट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है? फिलहाल ये आपको समझ में नहीं आएगा हम इस बात, ठीक है ठीक तो टाइप जो टेम्पलेट वगैरह ऐड होता है ना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। सर, ये मॉडल 3 डिलीट नहीं हो सकता है क्या? क्या? मॉडल 3 हाँ हो सकता है, फिर हो सकता है, राइट क्लिक एंड रिमूव, नो, ठीक है। तो शीट को ऐड करना आपने सीख लिया, शीट को रिनेम करना सीख लिया, अब बात आती है शीट को डिलीट करने की। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि यहाँ पे जो चार्ट्स है, यहाँ पे लिखा चार्ट्स या सीट जो भी है, यहाँ पे देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो मैं माल बोलता हूँ कि CH chart4 डिलीट। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आप जैसे डिलीट करेंगे, राइट, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके जैसे ही डिलीट करूंगा उसे कंफर्मेशन पूछेगा, कंफर्मेशन पूछ रहा है। हाँ जी सर। अब एक कंफर्मेशन आपको हर बार पूछेगा, जब भी आप माइक्रो रन करेंगे, जब तक आप डिलीट पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका काम आगे बढ़ने ही नहीं देगा, एक माइक्रो ब्रेकर की तरह ये आपके पास रुक जाएगा। ये तो उस केस में हमें डिलीट करने से पहले एक एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी कि एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, ये टेम्परली चेंज होगा हमारे इसी माइक्रो के लिए, समझ गए ना, परमानेंटली चेंज नहीं होगा। तो डिस्प्ले अलर्ट करने वाले फीचर को वो स्टॉप कर देगा और फिर डिलीट करेगा, तो आपका डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा और डिफॉल्ट आपका डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट के बाद आता है मूव। जैसे मान लीजिए कि मुझे C2 डॉट मूव किया, जस्ट मूव लिख दिया, तो मूव जैसे हम लोग मूव करते हैं ना, जैसे हमने माउस से होल्ड किया और इसको इधर से इधर रख दिया, ये तो मूव हो गया आपकी। लेकिन मैंने राइट क्लिक करके मूव की बात कर रहा हूं कि मूव और यहां न्यू फाइल में, समझ गए? तो आपको इस फाइल टैब को एक नई फाइल में मूव करनी है, तो आपको जस्ट लिखना है C2 डॉट मूव और एक नई वर्कबुक में वो मूव हो जाएगी। अब उस वर्कबुक को सेव करना है तो आप लिख दीजिए एक्टिव वर्क बुक डॉट एक्टिव वर्क, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है, किए छूट गया, बुक डॉट सेव एज और पास दे दीजिए जहां पे आप सेव करना चाहते हैं, समझ गए? सर एक चीज पूछनी है, जब हम मूव करेंगे तो मूव में ये ऑटोमेटिकली न्यू वर्कबुक सिलेक्ट करेगा, हाँ, और अगर लेकिन मुझे हाँ मैं बता रहा हूँ, बाबरी टॉपिक तो कंप्लीट होने दीजिए सर। अच्छा। और सर एक सवाल और है, ठीक हाँ पूछिएगा, 2 मिनट बाद पूछिएगा, मैं है ठीक है पूछना सर। बता रहा हूँ। तो हाँ जी हाँ जी C2 डॉट मूव अगर मैंने किया और मुझे मूव करना है इसी फाइल के किसी पर्टिकुलर शीट के बाद, तो मुझे यहाँ पे मूव के बाद स्पेस देके बिफोर या आफ्टर, तो अगर आफ्टर देना है तो कॉमा कर दीजिए, बिफोर कर देना है तो कॉमा मत दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए जो आपको मूव करना है। जैसे मुझे मूव करना है कहाँ पे, शीट 5 के बाद, इस 5 के बाद मूव हो जाएगा इसी फाइल में, लेकिन मुझे जो मूव जो करना है मुझे इस फाइल में नहीं करना है, नहीं न्यू फाइल में करना है, मेरे पास ऑलरेडी एक Book1 नाम की फाइल है उसमें करना है जो कि ओपन है। तो मैं यहाँ पे शीट से आगे यहाँ लगा दूंगा वर्क बुक्स और यहाँ पे Book1 और फिर इसका एक्सटेंशन जो भी होगा HLS SEM जो भी होगा और फिर मूव। तो क्या करेगा कि अब इसके इसका जो C1 मान लीजिए यहाँ पे पहले
यहाँ पे शीट टू कर दिया हमने। तो ये अब मूव क्या कहाँ करेगा, मूव करेगा यहाँ पे बुक वन के दूसरे शीट के बाद, ठीक है। तो अगर आपने वर्कबुक का पाथ नहीं दिया तो सेम फाइल में करेगा जो सीट नेम या नंबर आप दोगे। अगर आपने वर्कबुक का लोकेशन दिया तो उस वर्कबुक में करेगा, बस वो वर्कबुक आपका ओपन होना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो एक नई फाइल में मूव हो जाएगा और फिर उस फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा, बिल्कुल सर, ठीक ठीक है। और आपको कॉपी करना है इसमें, तो कॉपी का भी सेम रूल होता है, मूव तो कट हो गया ना, और कॉपी का भी सेम रूल होता है कि अगर आप सिर्फ कॉपी लिख दोगे तो एक अनोदर फाइल में कॉपी हो जाएगा। अगर आप सेम फाइल में करना चाहते हो तो उस वर्कशीट का नाम लिखेंगे, और किसी अनोदर फाइल में तो फाइल और वर्कशीट दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। अब बताइए आशीष जी, आपके पास क्या क्वेश्चन था? सर यही क्वेश्चन था कि अगर न्यू वर्कबुक क्रिएट ना करके हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल में करना चाहते हैं तो उसका आपने ये जवाब दिया, ये बुक वन फाइल ओपन रखनी पड़ेगी। पता था आप क्या पूछ रहे हैं, इसलिए आपको मैंने बीच में टोक दिया था। हाँ जी चलिए सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। जो आपने ये मूव वाला किया, मूव कॉपी, वो न्यू शीट में कॉपी कर देगा, तो मेरे पास पहले तो अराउंड, न्यू शीट में लगेगा, न्यू फाइल में लगेगा। हाँ न्यू फाइल, इसी में मेरे पास एक क्वेश्चन है सर। मेरे पास अराउंड 29 टैब्स है, मैंने जो मैक्रो आपको भेजी थी, तो 29 टैब्स है, तो 29 टाइम्स ही मुझे ये लिखना पड़ेगा कि भाई ये वर्कबुक। इस्तेमाल करेंगे, अच्छा आगे मैं पढ़ाऊंगा लूप, ठीक ठीक है। है सर, तो ठीक है। रिपीटेशन करते हैं, मतलब कि एक ही कोड को 10 बार, 20 बार या 20 बार रन करेगा, ठीक ठीक, है। ओके। चलिए, और सर ये जो कल मैं डॉट इसके बारे में कॉपी, बता दूंगा, कल, हाँ कल इसके बारे में बता दूंगा ताकि समझ आ जाए। ठीक है सर। सर एक चीज है, ये डॉट कॉपी जो है ये हाँ सिलेक्ट ऑल वाली कमांड है, पूरी शीट को कॉपी करके वो। नहीं, सिलेक्ट ऑल नहीं, ये जो राइट क्लिक करते हैं, मूव एंड कॉपी करते हैं, क्रिएट कॉपी, ये वाली कमांड। ये सिलेक्ट सर जो ऑल लीजिए कि पूरा सीट उठा के ले पूरा शीट, सर जाते ये जो थर्ड लाइन में अगर मेरे को विद इन शीट में करवाना हो, विद इन मतलब विद इन फाइल में, एक ही फाइल में, हैं। एग्जिस्टिंग फाइल में ही उसकी कॉपी बनानी हो, तो यही इसी के थ्रू हाँ, कॉपी बनेगी। इसे थ्रू बनेगा, बस इस कहाँ पे ओके कॉपी करना है उसका पाथ लिखिए, फाइल पाथ होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है। कॉपी और के सर बाद, हाँ और कुछ पूछना किसी को? हाँ, सर एक बार उसमें एक्सेल में जाना है, जैसे इसमें राइट क्लिक करते हैं, देन मूव एंड कॉपी, देन क्रिएट ए कॉपी, इस पर क्लिक करो सर, और आई हैव टू क्रिएट इन न्यू हाँ, न्यू, तो इसके वाला कौन सा बताया सर आपने? हमने इसके बारे में बताया, ए जस्ट कॉपी कर दीजिए बस, या मूव कर दीजिए बस, ओके ओके, ठीक है ना। तो ये सब जो इसमें आपने बताया ना, वर्क्स बुक, बुक वन, वो तो बुक वन खोलनी पड़ेगी ना, अगर कोई हाँ, इफ वी हैव मैंने आपको क्या, अदर आप कहाँ सो रहे थे क्या? लग रहा है सर, सो सो नहीं रहा। रहे थे। हमने आपको बताया कि जब आपको नई फाइल में करनी, क्रिएट करनी है, तो आपको एग्जिस्टिंग फाइल में करनी है, तो सेम फाइल में करनी है, तो ये हटा दीजिए, समझ ओके गए। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, चाय पीजिए सुबह सुबह उठ के, तो क्लास में ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं, हमने मूव कर लिया, हमने कॉपी कर लिया, हमने रिनेम कर लिया और सीट को ऐड कर लिया, हमने डिलीट भी कर लिया। अब बारी आती है सीट को हाइड एंड अनहाइड करने की। तो अगर हमने यहाँ पे लिखा सीट वन नहीं है ना, सीट 2 करना है, सीट 2 डॉट विजुअल, विजुअल इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 है, अगर आपने सीट हिडन कर दिया तो क्या होगा कि जो नॉर्मल हिडन होता है ना, यहाँ से जब मैं हाइड किया और कोई भी इसको राइट क्लिक करके अनहाइड कर लेगा इजीली, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हिडन लिस्ट में ना आए, मेरा किया मैं हाइड करूं, हिडन लिस्ट में ना आए, तो उस केस में क्या होगा,
होगा यहाँ पे सी टू डॉट विजुअल और यहाँ पे इक्वल सीट वेरी रन। तो जब वेरी वेरी रन होगा तो उसको अनहाइड करने के लिए आपको खैर कोड के जरिए लिखना होगा सीट विजुअल डॉट एक्सेल विजुअल, तभी ही अनहाइड होगा, या फिर उसकी प्रॉपर्टी में जाके यहां से उसको अनहाइड करना पड़ेगा, और नॉर्मल यहां से नहीं होगा। और आपकी कोड के जरिए कोई हाइड ना कर सके इसके लिए आप टूल्स में जाइए, वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में और प्रोटेक्शन पे लॉक पे क्लिक करके आप इसमें वीवीए का कोड पासवर्ड दे दीजिए कि कोई कोडिंग आपका विदाउट पासवर्ड एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोड सर ओपन ही नहीं कर पाएगा वो। को ओपन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे वो एक खोलेगा ना आपका विजुअल बेसिक प्रॉपर्टीज खोल देगा, जैसे वो यहाँ पे क्लिक करेगा अपने फाइल नेम पे तब इस तरह से आएगा, इस तरह से समझे, जब इस पे क्लिक करके खोलने की कोशिश करेगा तो उससे पासवर्ड पूछेगा। लेकिन याद रखिएगा पासवर्ड अप्लाई करने के बाद एक बार फाइल को रीओपन करना पड़ता है। तो हमने हिडन कर दिया। अब बात करते हैं प्रोटेक्ट की। तो हम यहाँ पे लिखा शीट टू डॉट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट और फिर हम यहाँ पे पासवर्ड। अब बाकी सब क्या है, तो जैसे कि हम राइट क्लिक करके जब पासवर्ड डालते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट करके, तो बाय डिफॉल्ट तो सिलेक्ट लॉक से अनलॉक से तो चेक चेक होता ही है। इसके अलावा ये बहुत सारे जो ऑप्शंस है, मुझे मान लीजिए फिल्टर अलाउ करना है, यूज ऑटो फिल्टर, तो यहाँ पे आपको स्पेस मारते देखिए अलाउ अलाउ फिल्टरिंग, तो मैं कॉमा कॉमा करके जाऊंगा और फिर यहाँ पे ट्रू कर दूंगा, राइट। लेकिन कॉमा कॉमा करके जाने में तो काफी दिक्कत होगी, पता नहीं कितना कॉमा करना पड़ेगा। तो अगर आप उसका उसका दूसरा तरीका है मैं आपको बताता हूँ, ये तरीका सब पे एप्लीकेबल होता है, जो भी आप कॉमा लगाते हैं सब पे होता है। यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड एंड कॉलन इक्वल टू, देखिए पासवर्ड एक्टिवेट है और यहाँ पे आप लिख दीजिए पासवर्ड, फिर कॉमा मैं लिखूंगा इस पे अलाउ, जो लिखा हुआ है वर्ड वही लिखिएगा, ठीक है ना, अलाउ फिल्टरिंग, और जैसे ही सेमी कोलन इक्वल करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने सीट, यहाँ पे हमने सीट मूव और यहाँ पे हमने आफ्टर का रखा है ना, आफ्टर है, तो मैं इस कॉमा का ना देके मैं यहाँ लिख सकता था कि आफ्टर और सेमी कोलन इक्वल। ठीक है, सर दीपक बोल रहा हूँ, एक डाउट है हाँ सर। आप जब सिंटैक्स या लाइन आप जब लिखते हो, लाइक समटाइम्स आप डॉट देते हो, कभी कॉमा देते हो, कभी इक्वल टू देते हो, वो कौन से इंस्टेंसेस में आता है वो समझ में नहीं आ रहा है सर। लाइक आपको मैं सर भी लिखते लास्ट हो। क्लास में समझाया था ना कि हाँ स्पेस सर। देंगे मेथड में, मेथड समझे, और इक्वल देंगे, जैसे मैं यहाँ पे डॉट कॉपी किया ना, डॉट हाँ सर। कॉपी किया तो क्या लगा हुआ, ग्रीन बॉक्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये हाँ थर्ड है जिस पे हमें स्पेस देना होगा। और जैसे मैंने यहाँ पे डॉट विजुअल किया, यहाँ पे तो ओ जैसे जैसे यहाँ पे डॉट विजुअल किया तो यहाँ पे देखिए एड का निशान आया, मतलब कि इस पे इक्वल लगेगा, ये सब में होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे सीट को अनप्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शीट टू डॉट अनप्रोटेक्ट। अब देखिए अनप्रोटेक्ट में क्या है, ग्रीन बॉक्स है तो मुझे स्पेस नहीं, तो ऐसे अच्छा, मुझे ग्रीन स्पेस बॉक्स है तो स्पेस देना है। हाँ ओके ठीक है, अनप्रोटेक्ट कर दिया, तो सीट पे जनरली सर। पता ही काम करते हैं ना।
कोड को लीजिए और अपने माइक्रो में इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? इस कोड को मैं आपको मेल कर देता हूँ और हम अगली क्लास में इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर एक ये पिछली क्लास से एक क्वेश्चन था मुझे। सर अगर मैक्रो के थ्रू हम कोई एक फाइल किसी फोल्डर में सेव करवा रहे हैं और वहां पे ऑलरेडी उस नाम से फाइल पड़ी हुई है और वो रिप्लेस के लिए एक मैसेज पूछता है, तो मेरे को यही एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स वाला फॉल्स करना है अगर वहां पे ऑलरेडी फाइल पड़ी है और मैं हाँ, मैक्रो के थ्रू क्रिएट मैंने करवा रहा हूँ? कभी किया तो नहीं है, आप करके देखिएगा मतलब जब करके देखा मैंने तो वो मेरे से पूछता है डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस दी एग्जिस्टिंग फाइल, तो डायलॉग बॉक्स पे येस क्लिक करना पड़ता है। अगर ये कमांड यूज करेंगे तो वो उसको ओवरराइड कर देगा ऑटोमेटिकली। बार करके देखिएगा। मैंने कभी किया नहीं तो मैं कैसे बता दूं सर? ठीक है सर, एक बार ट्राई कर। थ्योरी ये कहती है, थ्योरी से कह रही है कि हो सकता है, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, मुझे बताइएगा। ठीक है सर। कोई और सर ये भी पिछली वाली क्लास से ही है, मेक डायरेक्टरी में आपने 3 लाइनें लिखी थी कि उस 2019 फोल्डर क्रिएट करे, फिर जनवरी का क्रिएट करे, फिर उसके बाद डेट का फोल्डर क्रिएट करे। तीन अलग अलग लाइनें थी। इस कोड को कंबाइन किया जा सकता है एक बारी में कि वो सारे फोल्डर क्रिएट कर दे? नहीं, सर मैंने वो भेजा हुआ है आपको, ये फाइल ऊपर देखिए, प्रोसेसिंग। एक बार में, क्योंकि एक बार में एक ही काम नहीं करता है ना, सही लाइन बाय लाइन चलता है। हाँ सर, जैसे आपने उसके उस ऊपर वाले डायरेक्टरी को क्रिएट नहीं करेगा तो नीचे वाले कैसे क्रिएट करेगा? हाँ सर, पर हम कमांड तो दे ही रहे हैं ना, मेक डायरेक्टरी। अगर उसको 2000 एक ही लाइन में 2019 नहीं मिलता तो क्रिएट कर दे जैसे थी आपने एट डॉट। मेक डायरेक्टरी का फीचर है कि वो सबसे लास्ट वाली डायरेक्टरी को क्रिएट करेगा, ओके ओके, ये ठीक उसका फीचर है। ठीक है सर। है? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।